हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एच टू स्टडी चैनल में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो 10th का एग्ज़ाम होने वाला है 2020 में, उसका हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का नया चैप्टर। मैथ का नया चैप्टर कौन सा चैप्टर? ब्रीथ। ब्रीथ से हम लोग को 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक 4 नंबर का रहेगा और एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि वन वन मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है, उसमें आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भी दे देता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ से उठाता है? यही जो सर्कल्स है ब्रीथ से, यहीं से फिल इन द ब्लैंक्स उठा लेता है। तो इसी से आज हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले सर्कल किसको, जो आप लोग को, आप लोग देखे होंगे इस टाइप का जो सर्कल होता है, जो साइकिल का पहिया होता है, गाड़ी का पहिया होता है, वो सब क्या, वो सब सर्कल का रूप, सर्कल का ही रूप होता है। तो सर्कल में सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक चीज़ सीख लेते हैं। तो ये गोला दिख रहा होगा आप लोग स्क्रीन पे, इसके बीच वाला इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। और सेंटर से और ये बाहर बाहर वाले चीज़ को हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या? परिधि। इसको सब लिखिएगा आप लोग कॉपी में, परिधि बोलते हैं। ये किनारे किनारे ये घूम रहा है, उसको परिधि। और ये बीच वाला को केंद्र बोलते हैं, केंद्र। और इस केंद्र से परिधि के बीच ये वाला जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और क्या, अगर इसको हम लोग पूरा लंबा, पूरा अगर इसको बढ़ा दे पूरा बढ़ा देते हैं, तो इसको अगर पूरा बढ़ा देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या? व्यास। और ध्यान रखिएगा ये क्या, इसको थोड़ा फिर से एक और नया बनाते हैं। ये सर्कल था, जितना बताया उसको याद रखिएगा। और इस पॉइंट पे अगर कोई रेखा टच करते हुए अगर जा रहा है, तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। मतलब एक त्रिभुज में कोई एक किनारे को टच करते हुए जा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। और ध्यान रखिएगा कि एक बिंदु पर, एक त्रिभुज में एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक, अगर इसको बीचे बीचे ऐसे काट के जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। कौन सा रेखा? छेदक रेखा। तो एक स्पर्श रेखा है, एक छेदक रेखा। छेदक रेखा त्रिभुज के, सॉरी, वृत्त के कितना बिंदु पर काटता है? एक यहाँ काटता है, एक इस जगह पे काटता है, और एक यहाँ काटता है। मतलब एक छेदक रेखा वृत्त के 2 जगह काटता है। और एक स्पर्श रेखा कितना जगह टच करता है? एक जगह टच करता है। इसको ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है। इतना चीज हो गया। अब इसमें देखिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है क्या कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? देखिए, एक वृत्त है, एक वृत्त में हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक पॉइंट पे यहाँ खींचे, यहाँ बहुत, एक एगो एक एक पॉइंट पे एक ही को खींचाएगा। फिर इस जगह पे यहाँ भी खींच सकते हैं, 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 यहाँ भी खींच सकते हैं। मतलब जितना चाहें उतना हम लोग एक वृत्त पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मतलब एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत। इसका क्या आंसर होगा? अनंत। मतलब जितना चाहें उतना हम लोग खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। फिर दूसरा क्या, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान के भरना। पहला क्या बोल रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली जगह बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए, एक वृत्त के स्पर्श रेखा, हम अभी क्या बोल रहे थे, एक वृत्त में स्पर्श रेखा, एक एक वृत्त में कोई भी एक स्पर्श रेखा हो, वो कितना पॉइंट को टच करते हुए जाता है? एक ही पॉइंट को तो टच करते हुए जाता है। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितना बिंदु पर टच करते हुए जा रहा है, या कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है? कितना बिंदु पर? एक बिंदु पर। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देखिए, अभी बताया था, अगर ये वृत्त है, वृत्त में अगर 2 बिंदु पर, 2 पॉइंट पे अगर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उस दोनों पॉइंट को हम लोग, जो रेखा वृत्त को 2 पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। कौन सा रेखा? छेदक रेखा। फिर तीसरा क्या बोलता है, एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए, एक वृत्त में कितना समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है? जैसे एक वृत्त है, एक वृत्त में एक रेखा यहाँ खींचे, एक ये रेखा यहाँ खींचे, तो कितना समांतर रेखा हो सकता है? 2 ही तो समांतर रेखा हो सकता है। और क्यों? स्पर्श करते हुए, एक पॉइंट पर स्पर्श करते हुए। अगर इधर खींचना चाहे तो इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, तो कितना हुआ? 2 ही रेखा तो हुआ। बीच में से अगर खींचेंगे तो छेदक रेखा हो जाएगा, लेकिन वो हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को केवल स्पर्श करते हुए करना है। तो एक वृत्त की खाली जगह समांतर, और वो दोनों रेखा क्या है? एक दूसरे का समांतर भी है। तो कितना रेखा हो सकता है? 2 रेखाएं, मतलब 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। फिर
चौथा क्या बोल रहा है, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली जगह कहते हैं। देखिए वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, जैसे ये वृत्त था और इसका जो स्पर्श रेखा, ये वाला स्पर्श रेखा जो टच करते हुए जा रहा, वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट कौन सा है, यहाँ देखिए इस कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा, सॉरी स्पर्श बिंदु। वो स्पर्श रेखा तो था और ये जो जिस बिंदु से टच करते हुए जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु, इसको ध्यान रखना है। इतना हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, उसको क्या करना है, वो क्वेश्चन में क्या बोलता है उसको देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्ड क्वेश्चन था, दो हम लोग बनाए अभी। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर का कोई एक त्रिज्या, त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलता है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, तो यहाँ पे ये वृत्त है, वृत्त में बीच में सेंटर होगा, सेंटर से हम लोग एक 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला रेडियस हम लोग खींच दिए, ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट इधर जा रहा है और ये जहाँ टच कर रहा है इस पॉइंट को हम लोग नाम दिए हैं पी, और इस पॉइंट को नाम दिए हैं हम लोग क्यू, और इसको नाम दिए हैं ओ, और बोल रहा है पी से एक रेखा बढ़ाया गया है वो क्यू की ओर जा रहा है, और ओ और क्यू मतलब एक और ऐसा रेखा है जो सेंटर से होते हुए गुजर रहा है और क्यू को टच करते हुए जा रहा है, तो जब क्यू को टच करते हुए जा रहा है तो ओ से यहाँ निकलेगा और यहाँ जाके ऐसे इसको टच करेगा, मतलब एक ये रेखा हो गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर सेंटर से कोई भी रेखा, कोई भी स्पर्श रेखा पर अगर हम लोग नीचे पर नीचे अगर खींचे, लाइन खींचे, तो वहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री का एंगल बनता है, ध्यान रखिएगा। ये कितना डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, 90 डिग्री का। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज यहाँ बन गया, समकोण त्रिभुज में ये हम लोग का कितना है 5 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, और हम लोग का ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू हम लोग का कितना है, ये देखिए ओ क्यू है ये 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ओ क्यू, ये क्या हम लोग का, ये हम लोग का कर्ण बन गया और ये हम लोग का आधार बन गया, ये हम लोग का लंब बन गया। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से निकाल सकते हैं 12 के स्क्वायर -5 के स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 12 के स्क्वायर मतलब बर बरहा 44 144 -5 5 25, अगर इसका हम लोग अंडर रूट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 144 में से 25 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, ये हम लोग को मिलेगा। जैसे अगर बर बरहा 144 में से अगर हम लोग 25 घटाएंगे ना तो हम लोग को 119 मिलेगा, और ये 119 अंडर रूट में था क्योंकि यहाँ ये अंडर रूट में था और 119 का कोई फिक्स स्क्वायर नहीं होता है, तो 119 देखिए यहाँ हम लोग को दिया हुआ है ऑप्शन में, तो थर्ड का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, डी। फोर्थ क्या बोलता है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए और उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो एक वृत्त खींचिए, आप वृत्त खींच सकते हैं, आप लोगों के पास अपना इंस्ट्रूमेंट होगा वहाँ से आप लोग वृत्त खींच सकते हैं, तो ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है वो देखिए, ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये हम लोग वृत्त पढ़ रहे हैं, वृत्त सर्कल जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, और इससे फिक्स है कि 6 नंबर का आएगा ही आएगा, जिसमें एक प्रूफ करने के लिए आप लोग को जरूर देगा, और वो देखिए प्रूफ करने के लिए क्या दे सकता है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को बस यहीं तक खत्म करते हैं, आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि देखिए अभी आप लोग का टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 10th का एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो उसी में हम लोग को सब चीज़ कवर करना है, तो आप लोग बस वीडियो देखते रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करते रहिए वीडियो, और वीडियो को लाइक जरूर किया करिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताया कीजिए कि कैसा वीडियो आप लोग को लगता है, आप लोग को कौन सा चैप्टर ज़्यादा कमज़ोर है वो चैप्टर पर अगर हम फोकस करेंगे तो वो आप लोग को बेटर आएगा, बेटर होगा, इसलिए आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग का कौन सा चैप्टर कमज़ोर है, क्योंकि कमज़ोर चैप्टर बताइएगा तो उसी में अगर हम प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोग को तो उसमें ज़्यादा आप लोग को
अच्छा रहेगा, इसलिए बताया कीजिए, कमेंट किया कीजिए कि कौन सा चैप्टर अच्छा लग रहा है। ठीक, थैंक यू।